हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर मोहम्मद जमीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस्टरडे वी सॉ अ वेरी नाइस पोएम वेयर गो द बर्ड्स ऑन पेज नंबर 70 ऑफ योर माय इंग्लिश बुक 5 एंड टुडे वी विल सी इट्स क्वेश्चन आंसर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने वेयर गो द बर्ड्स ये पोएम देखे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीड द पोएम अलाउड और रिसाइट इट विथ प्रॉपर इंटोनेशन। पोएम को अलाउड जोर से पढ़िए और रिसाइट कीजिए, उसको गाइए सही इंटोनेशन यानी कि आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ। तो पोएम हमने कल ही पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। फाइंड द कलर वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जो कलर के वर्ड्स यानी कि जो कलर के नाम आए हैं वो ढूंढिए। राइट डाउन एट लीस्ट 10 अदर कलर वर्ड्स यू नो, और कोई 10 कलर के नाम आपको अलग से लिखना है। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, पोएम में आए हुए 3 कलर से ब्राउन, गोल्डन और ग्रीन, ये 3 कलर के नाम आए हैं। और अदर कलर्स मैंने यहाँ पे लिखा है, रेड, ब्लू, वाइट, ब्लैक, वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, पर्पल, पिंक। तो आप ये पूरे जो कलर्स के नाम है वो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग पिक्चर्स शो हाउ टू मेक अ वेरी सिंपल पेपर बोट। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और उसमें पेपर बोट, एक सिंपल पेपर बोट, कागज़ की नाव, पेपर की नाव कैसे बनाएं वो दिखाया गया है। फॉर्म पेयर्स एंड लर्न टू मेक इट। पेयर्स बनाइए, जोड़ियाँ बनाइए अपने दोस्त के साथ, सहेली के साथ, और इसको बनाना सीखिए। ट्राइंग आउट ईच स्टेप एंड डिस्कसिंग इट इन इंग्लिश। हर स्टेप को इंग्लिश में डिस्कस आपको करना है आपस में। यू मे फाइंड द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो यूजफुल। और इस पिक्चर के नीचे कुछ सेंटेंसेस, कुछ जुमले दिए हुए हैं वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर पिक्चर के नीचे ऑलरेडी लिख दिया है, आप भी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए और हम उसको अब समझेंगे। सबसे पहले एक स्क्वायर पेपर हमको यहाँ पे मिला है और उसको बीच में से ये फोल्ड किया गया है। तो हम लिखेंगे, टेक अ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड एज शोन। एक स्क्वायर पेपर लीजिए और जैसा तस्वीर में, पिक्चर में दिखाया गया है उस तरीके से उसको फोल्ड कीजिए, इस तरीके से। देन अगेन फोल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। ये सेंटेंस लिखना है दूसरा, के जिस तरीके से एरो दिखाया गया है उस सिम्त में, उस डायरेक्शन में, उस दिशा में उसको फिर से फोल्ड करना है। उसके बाद देन मेक क्रीज ऑन ऑल साइड। उसके बाद पूरे साइड से, इधर ये दो साइड मिलेंगे हमको, ये क्रीज को जो है क्रीज बनाना है यानी कि उसको उंगली से दबाना है, प्रेस करना है, और इधर से भी क्रीज बनाना है ताकि उसका निशान जो है पड़ जाए फोल्ड का। उसके बाद नंबर 4, ओपन द फोल्डेड पेपर एज शोन। उसके बाद ये फोल्ड किया हुआ पेपर को इस तरीके से फिर से खोल देना है आपको। नंबर 5, देन फोल्ड लाइक दिस। उसके बाद फिर ये आधा जो है पार्ट उसको इधर मोड़ना है इस तरीके से। उसके बाद नंबर 6, देन अगेन फोल्ड लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। फिर उसके बाद फिर से जो एरो दिखाया गया है उस डायरेक्शन में फिर से उसको मोड़ना है। देन फोल्ड इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद फिर पीछे साइड से भी आपको उसी तरीके से उसको फोल्ड करना है। उसके बाद नंबर 8, ओपन ऑल फोल्ड्स यू विल गेट दीज टाइप्स ऑफ क्रीजेस। अब पूरा पेपर आपको खोल देना है वापस, तो इस तरीके से आपको लकीरें पड़े हुए, क्रीज पड़े हुए आपको उस पेपर पे मिलेंगे, दिखेंगे, नज़र आएंगे। उसके बाद फाइनली फोल्ड लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। उसके बाद आखिरी में जो डायरेक्शन में एरो दिखाया गया है इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपको मोड़ना है। योर पेपर बोट इज़ रेडी। आपकी पेपर की बोट, कागज़ की नाव तैयार हो जाएगी। पुट योर बोट इन अ स्मॉल पॉन्ड और टब एंड एंजॉय फ्लोटिंग पेपर बोट। उस बोट को किसी छोटे से टब में या छोटे से पॉन्ड में, तालाब में आपको डालना है और उसको पानी को हिला के या फूंक मार के उसको चलाना है और आपको एंजॉय करना है। तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके पूरे लिख ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और एक बोर्ड भी बना के आप जो है अपने नोटबुक में चिपका सकते हैं।
अब कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए, हम वो सेंटेंसेस देख लेते हैं अभी। सबसे पहले है हाउ डिड यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। शो मी, मुझे दिखाओ। लेट मी शो यू, मुझे बताने दो। फोल्ड इट लाइक दिस, उसे इस तरह से फोल्ड करो। नाउ अनफोल्ड इट, अब उसको वापस अनफोल्ड करो यानी कि खोल दो। उसके बाद मेक अ क्रीज, एक क्रीज बनाओ। प्रेस इट डाउन, उसको दबाओ। फोल्ड इट वन ऑन द अदर साइड, अब दूसरे साइड से फोल्ड करो। लाइक दिस, इस तरीके से। नॉट, नो नॉट लाइक दैट, लाइक दिस, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करो। शो दैट अगेन, फिर से दोबारा दिखाओ। गॉट इट, हाँ समझ आ गया। आई हैव गॉट दैट नाउ, हाँ अब मुझे वो समझ आ चुका है। यस यू आर राइट, हाँ तुम बिल्कुल सही हो। तो इस तरीके से हमने ये पेपर बोट किस तरीके से बनाना है वो देखे हैं। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।